व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्योंकि गाइस आज हम लोग करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑल टाइम ओडीआई 11 की। हम लोग दो टीमें बनाएंगे और गाइस ये ऐसा ही नहीं होगा, ये मैंने चैलेंज वीडियो बनाई है, चैलेंज एक्सेप्ट किया है हमारे ऋषभ पंत साहब का, नहीं सॉरी उन भाई का नाम है ऋषभ पांडे, मनीष पांडे ऋषभ पंत दोनों का कॉम्बिनेशन वो बोल रहा था भाई के मेरे नाम का है, ऋषभ पांडे भाई का मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। उन्होंने गाइज अपनी ऑल टाइम ओडीआई 11 की टीम बनाकर पहले तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया, बाद में इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज किए तो हमारी बातचीत हुई। तो उस भाई के टीम गाइज आप लोग जैसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, भाई की टीम काफ़ी खतरनाक है गाइज। उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को विकेट कीपर रखा है, साथ में क्रिस्टोफर हेनरी गेल है, रिकी पॉन्टिंग कैप्टन है उनके, अद्भुत डिविलियर्स वहाँ पर है, विवन रिचर्ड सर को उन्होंने रखा है, एंड्रू फ्लिंट ऑफ ग्लैन मैक्सवेल के रूप में दो ऑलराउंडर मेरे भाई के पास हैं, ब्रैटली माइकल होल्डिंग डैनियल टोरी ट्रेंट बोल्ट के रूप में काफ़ी बढ़िया उनके पास पेसर हैं। तो गाइज आप लोग देख पा रहे हो कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया नाम मेरे भाई ने ले लिए, लेकिन मेरे को थोड़ी सी हैरानी हुई, इंडिया का कोई प्लेयर नहीं रखा मेरे भाई ने, जबकि इंडिया के ओडीआई काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। और भाई मेरे को भी बोल रहा था कि सारे इंडिया के प्लेयर मत ले लेना, नहीं भाई मैं इंडिया के दो तीन प्लेयर ही लूँगा, सारे नहीं लूँगा। तो गाइज काफ़ी ख़तरनाक टीम ये बनी है और भाई के बारे में मैंने और भी इन्फॉर्मेशन निकाली है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसका भाई का नाम है ऋषभ पांडे, एज है 17 साल, सिटी जयपुर है, क्लास 12 में वो पढ़ते हैं। आप उनकी पिक्चर्स भी देख पा रहे होंगे, भाई ने मेरे को 3-4 फोटो सेंड की और बोला भाई सभी दिखाना, अच्छे से दिखाना, भाई देख लो अच्छे से तुम्हारी फोटो हो रही है, भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया पोज दे रहा है वहाँ पे। तो गाइज इस भाई की तरह आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे को मैसेज कीजिए, बात कीजिए और अपनी टीम जो है ना गाइज वो यूट्यूब पर भी छोड़िए और वहाँ पर भी छोड़िए। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी अपनी टीम कमेंट कीजिए और सेम टीम अगर आप करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करके वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। और अगर गाइज आप लोग चाहते हैं तो क्रिकेट टॉक शो आपको फॉलो बैक भी कर लेगा इंस्टाग्राम पर, जस्ट मेरे को मैसेज कर देना कि भाई फॉलो बैक करो तो तुम्हारा भाई तुमको फॉलो बैक कर लेगा। तो चलिए गाइस फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए गाइस फिर भाई की टीम को चैलेंज करते हैं, बनाते हैं क्रिकेट टॉक शो की ऑल टाइम ओडीआई 11। गाइस ओपनिंग पर मैंने रखा है मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर को। जी हां गाइस, अगर आप ओडीआई की ऑल टाइम 11 बना रहे हैं, जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा शतक ठोके हैं आज तक उनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। विराट कोहली काफी पास पहुंच गए थे लेकिन अभी 2 साल हो गए, विराट कोहली के बल्ले से भी कोई सेंचुरी निकली नहीं है, तो लग नहीं रहा कि अभी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड ये टूटेगा। 100 सेंचुरी इन्होंने लगाई है ऑल फॉर्मेट्स में। इनका गाइस साथ देने के लिए मैंने रखा है डेविड एक्सक्लूसिव वार्नर को। क्यों गाइस लग रही है ना, ये भी खतरनाक लेफ्ट राइट इनका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर वहां पर गिलक्रिस्ट और गेल है तो यहां पर सचिन रमेश तेंदुलकर डेविड एक्सक्लूसिव वार्नर। नंबर 3 पर गाइस विराट कोहली, किंग कोहली, रन मशीन कोहली, सचिन तेंदुलकर कोहली एक ही टीम में खेलेंगे, दोनों प्राइम फॉर्म में होंगे, तो गाइस सोचिए काफी खतरनाक टीम ये बनने जा रही है। नंबर 4 पर गाइस मैं गया फैब टू प्लसिस के साथ। गाइस मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, जैक कैलिस का ऑप्शन था, केन विलियमसन का ऑप्शन था, शकीब अल हसन का ऑप्शन था, लेकिन गाइज मैं फैब डू प्लसिस के साथ गया क्योंकि ये आपको एक तो श्योरिटी देते हैं कि ये रन करेंगे और ये थोड़ा तेज़ खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट धीमा नहीं होता, जबकि जैक कैलिस केन विलियमसन थोड़ा सा धीमे हो सकते हैं। तो अगर आपको ओडीआई में एक भरोसेमंद बंदा मिले जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले तो आप डेफिनेटली फैब डू प्लसिस के साथ ही जाना चाहेंगे। नंबर 5 पर गाइज मैंने रखा है बेन सुपरमैन स्टोक्स को। बेन सुपरमैन स्टोक्स गाइज 2019 में इंग्लैंड जीती थी ओडीआई का वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा तो बेन सुपरमैन स्टोक्स जो थे वो मैन ऑफ द सीरीज निकले थे। उस वर्ल्ड कप में ये सितारा काफ़ी चमका था, तो इसलिए मेरी इस ऑल टाइम ओडीआई 11 की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए बेन सुपरमैन स्टोक्स। अब गाइस नंबर 6 पर मैंने रखा है महेंद्र सिंह धोनी को। ये आपके लिए फिनिशिंग भी करेंगे, अगर जल्दी विकेट गिर गई तो ये मैच को भी संभालेंगे, ये आपके लिए कैप्टनसी भी करेंगे, ये आपके लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी डेफिनेटली इस टीम में रहेंगे। तो भाई मैंने सचिन, विराट और धोनी तीन ही बंदे लिए इंडिया से, ठीक है। नंबर 7 की बात करूँ तो गाइज वहाँ पर मैंने रखा है शेन वॉटसन को, जो कि आपको गाइज नीचे आकर तकड़ी पावर हिटिंग करके देंगे और गाइज ये आपके लिए बॉलिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे वॉटसन तो ओपनिंग करते हैं इतना नीचे क्यों, भाई अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, वॉटसन जब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, जब उन्होंने खेलना शुरू किया था, तो ओडीआई में गाइस 6-7 नंबर पर ही वो खेलते थे, आईपीएल में ओपनिंग करनी शुरू की और टी20 में ओपनिंग करते थे वो, ठीक है ये ओडीआई मैच है। तो नंबर 7 पर मैंने रखा है शेन वॉटसन को। नंबर 8 की बात करूं तो गाइस द बाउंसर जाफरा आर्चर के साथ में गया, मेरा तो काफ़ी गाइज फेवरेट बॉलर है, थोड़े ही समय में इन्होंने काफ़ी अपना नाम बना लिया है, तो अगर आप ऑल टाइम ओडीआई 11 में जाफरा आर्चर को रखेंगे तो आपको कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। नंबर 9 पर गाइज पाकिस्तान से वसीम अकरम को मैंने रखा है, लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं गाइज, यॉर्कर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते थे और इनकी जो बॉल्स ना गाइज रिवर्स स्विंग गाइज करवाने में काफ़ी ये माहिर थे पुरानी बॉल के साथ। नंबर 10 पर गाइज ग्लेन मैकग्रा, कहीं पर भी मैच करवा लो,
ग्लेन मैकग्रैथ गाइस अपना जो है वो कहीं पर भी अच्छा जाके परफॉर्मेंस देते हैं और काफी लेजेंडरी बॉलर थे गाइस ग्लेन मैकग्रैथ। नंबर 11 पर गाइस मुथैया मुरलीधरन के साथ में गया। तो गाइस दोनों ही टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, मैंने थोड़ा सा इस तरह से इस बार टीमों को रखा है कि आपको कंपैरिजन करना इजी हो जाए। गाइस देखिए, अगर वहां पर गिलक्रिस्ट है विकेट कीपर तो हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी है, अगर वहां पर क्रिस्टोफर गेल है हमारे पास डेविड वार्नर है, अगर मेरे भाई ने रिकी पॉन्टिंग को रखा है नंबर 3 पर तो हमारे पास विराट कोहली, किंग कोहली, रन मशीन कोहली, अद्भुत डिविलियर्स, फैफ डू प्लेसिस, विमल रिचर्ड्स, सचिन, रमेश तेंदुलकर, फ्लिंटॉफ, स्टोक्स, मैक्सवेल, वॉटसन, ब्रेटली, अगर उनके पास पेस ब्रेटली है तो हमारे पास पेस के तौर पर द बाउंसर जॉफ्रा आर्चर है, वहाँ पर स्पिनर डैनियल विटोरिया है, हमारे पास मुथैया मुरलीधरन है, मेरे भाई ने माइकल होल्डिंग को रखा है तो मैंने ग्लेन मैकग्रैथ को रखा है, मेरे भाई ने लेफ्ट हैंडर बॉलर ट्रेंट बोल्ट को रखा है तो मैंने पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम के साथ गया। गाइस दोनों टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए ऋषभ पांडे जी की टीम ज्यादा स्ट्रांग है या फिर क्रिकेट टॉक शो की टीम ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा काम था गाइस, मेरा काम था चैलेंज एक्सेप्ट करना, टीम बनाना मैंने बना दिया, बाकी गाइस आपका काम है, आप लोग बताइए इस दोनों टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है और अपनी टीम गाइस यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिए, वहां पर मैसेज कीजिए, मेरे से बात कीजिए, अपनी टीम छोड़िए और मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपकी फोटो दिखाऊंगा। तो और गाइस हमारी इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।